हेलो, आई एम सिमरन फ्रॉम पाठशाला। कोरोना वायरस के कारण हम लोग रेगुलर क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, सो हमने डिसाइड करा है सारी टीम ने कि हम छोटे छोटे क्लिप्स ऐसे बनाएं जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहें ड्यूरिंग दिस टाइम, जब स्पेशली कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर पढ़ा नहीं सकता है, कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकता है डायरेक्टली। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम ये छोटे छोटे क्लिप्स के थ्रू आप तक अपनी नॉलेज पहुँचाते रहें। सो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे आज, वो है हमारा ट्रांसपिरेशन। और ये जो ट्रांसपिरेशन का टॉपिक है, ये बेसिकली बायोलॉजी का है, जो कि क्लास टेंथ की है, उसके सिलेबस में से हम ये जो टॉपिक है आज का वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वी आर डीलिंग विद ट्रांसपिरेशन, तो हमें पता होना चाहिए ट्रांसपिरेशन क्या है, है ना। तो ट्रांसपिरेशन बेसिकली जब कोई भी प्लांट वाटर को लूज़ करता है खुद में से, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और ये जो लॉस ऑफ वाटर है, ये स्पेशली ना छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होता है। वो कैसे होता है, प्लांट हैज़ लीव्स, ठीक है, तो वो जो लीव्स होते हैं प्लांट के, उसके ऊपर छोटे 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 पोर्स होते हैं। तो ये जो पोर्स हैं उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, है ना। तो ये जो स्टोमेटा हैं वो क्या करते हैं, समटाइम्स वो स्वेल होकर ओपन हो जाते हैं, और समटाइम्स क्या हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो जब वो ओपन होते हैं, उस टाइम पर जो एक्सेस वाटर होता है या नॉर्मल जितना भी हम पानी डाल रहे हैं पौधे को, वो क्या होना शुरू हो जाता है, इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इवेपोरेट क्यों होता है, ठीक है, तो उसके दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि इवेपोरेशन के कारण गर्मियों में स्पेशली जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हमें भी गर्मी लगती है, राइट, वैसे पौधों को भी लगती है, पौधे मुरझा भी जाते हैं, राइट। तो पौधे ना मुरझाएं, ठीक है, वो ठंडे रह सकें, वो उनका जो टेम्परेचर है वो डाउन करने के लिए, उन्हें कूल डाउन करने के लिए ये प्रोसेस हेल्प करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि जहाँ पर भी इवेपोरेशन होती है वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट आता है ना। तो उस कूलिंग इफेक्ट के कारण हम जो हैं, जो प्लांट्स हैं, वो खुद को कूल डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो ये था इसका पहला फीचर। अब सेकंड इज़ कि जब ट्रांसपिरेशन होती है तो एक सक्शन फोर्स जनरेट होती है, समझ रहे हो, वैक्यूम फोर्स, जो कि पुल करती है चीज़ों को, राइट। तो ये जो सक्शन फोर्स है, ये नीचे से ऊपर तक लगती है, मींस ऊपर से कोई चीज़ ऐसे खींच रही है, ठीक है। तो ये जो सक्शन फोर्स के कारण जितने भी सॉइल में मिनरल्स हैं, जो जो उसको चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको वाटर चाहिए, वो तो हम मिट्टी में डालते हैं ना, तो मिट्टी से ही प्लांट तक पहुंचता है। तो वो किस प्रोसेस के थ्रू पहुंचता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि ये क्या करती है, एक सक्शन फोर्स जनरेट करती है जो चीज़ों को ऊपर की तरफ खींच लेती है। तो इसी वजह से जाइलम और फ्लीम की हेल्प से ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स है ये हो पाती है। बेसिकली इसमें जाइलम हेल्प करता है, फ्लीम जो है वो तो फूड की ट्रांसलोकेशन में हेल्प करेगा। एंड नाउ ये जो ट्रांसपिरेशन है, इट इज़ ऑफ थ्री टाइप्स। तो सबसे पहली जो टाइप है, दैट इज़ योर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, सेकेंड इज़ लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, एंड थर्ड वन इज़ क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की, वो बेसिकली स्टोमेटा के थ्रू होती है, ठीक है। जो स्टोमेटा है, इट हैज़ गार्ड सेल्स। ये जो गार्ड सेल्स हैं, ये स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जब ये ओपन होंगे, स्टोमेटा स्वेल हो जाएंगे, ठीक है, उसके गार्ड सेल्स में जो वाटर है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्वेल अप हो जाते हैं। स्वेल अप होने की वजह से स्टोमेटल पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो जिसमें से वाटर क्या कर पाएगा, इवेपोरेट कर पाएगा, ठीक है। अब ये कब ओपन होंगे, जब हम पानी ज़्यादा दे रहे हैं, वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, फ्लफ़ी हो रहे हैं, ठीक है, स्वेलन अप हो रहे हैं। स्वेल होने के कारण वो फिर खुल जाएंगे और जो वाटर है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। एंड इन सेकेंड केस, अगर मान लीजिए पानी नहीं ज़्यादा डाल रहे, ठीक है, तो डिफ्यूजन के थ्रू वाटर जो है वो डिफ्यूज़ होते होते कहीं पर कलेक्ट नहीं होगा, कलेक्ट नहीं होगा तो वहाँ पर प्रेशर नहीं बनेगा, तो ना तो वो जो गार्ड सेल्स हैं वो स्वेल अप होंगे, वो क्या रह जाएंगे, फ्लैसिड रह जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्लोज रहेंगे और ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, आपने नोटिस करा होगा कि आपने प्लांट्स या फिर ट्रीज़ की स्टेम्स पर ऐसे छोटे 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 लाइंस देखे होंगे, है ना। तो वो जो लाइंस होते हैं थोड़े लाइट कलर में, बहुत सारे ऐसे लाइंस सरफेस के ऊपर,
उसे हम बोलते हैं लेंटिसल्स, वो भी एक तरह की ओपनिंग्स होती हैं, तो वहाँ से भी क्या है बहुत सारा, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत मिनिमल सा वाटर लॉस होता है, तो ट्रांसपिरेशन उनके थ्रू भी होती है। नाउ थर्ड एंड द लास्ट काइंड ऑफ ट्रांसपिरेशन, दैट इज़ योर क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और ये जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है ये क्यूटिकल्स के थ्रू होती है। तो ये क्यूटिकल्स क्या होते हैं, सबसे पहले जो क्यूटिकल्स हैं, इट इज़ थिन वैक्सी लेयर दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ। जो लीफ है वो थोड़ा सा शाइनी नज़र आता है हमें, वो क्यों नज़र आता है, क्योंकि उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है जिसे हम क्यूटिकल बोलते हैं। ये जो क्यूटिकल है इट इज़ सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू, तो इसका बेसिकली ये काम होता है कि ये एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन को रोक पाए। जैसे आपने नोटिस करा होगा जो कैक्टस है वो डेजर्ट एरिया में ग्रो करता है ना, वो यहाँ हम नहीं देखते, उसे देखते भी होंगे शायद, आई डोंट नो, पर वो डेजर्ट्स में ज़्यादातर कैक्टस आपको मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि हमें पता है कि उसको पानी बहुत कम चाहिए। कम क्यों चाहिए, क्योंकि उसका ट्रांसपिरेशन रेट बहुत कम होता है, क्योंकि उसके जो लीव्स होते हैं कैक्टस के, जो स्पाइंस जिसके ऊपर ग्रो करती हैं, वो बहुत थिक होता है, आपने देखा होगा राइट। वो थिक क्यों होते हैं, क्योंकि जो क्यूटिकल की लेयर है उसके ऊपर बहुत थिक है, और वो थिक लेयर होने के कारण ना ट्रांसपिरेशन ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो अगर उसे कम पानी भी मिलेगा, ट्रांसपिरेशन रेट कम भी रहेगा, तो फिर भी वो क्या रहेगा, अलाइव रहेगा, ठीक है। तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन मीन्स जो वैक्सी लेयर के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होती है, लॉस ऑफ वाटर होता है, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो। कम किसके केस में होगा, जिसमें थिन होगी, थिक होगी तो ट्रांसपिरेशन रेट अपने आप कम हो जाएगा। अगर वो जो लेयर है वो जितनी ज़्यादा थिन होगी, ट्रांसपिरेशन रेट उतना थोड़ा बढ़ता चला जाएगा। तो ये तीन तरह की हमने आज ट्रांसपिरेशन कवर कर लिए हैं। सो हम अगले लेक्चर में कुछ और कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।